हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राउन डिस्चार्ज क्यों और कब होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट से ब्राउन रंग का डिस्चार्ज देखती हैं तो हो सकता है कि आप घबरा जाएं, लेकिन ये आम बात है और ज़्यादातर मामलों में प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है। इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं होती है। ब्राउन डिस्चार्ज बहुत ही आम है और आपको तब तक इसे लेकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब तक आपको इसके साथ अन्य लक्षण जैसे कि खुजली या फिर स्मेल फील ना हो। लगभग सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन रंग के डिस्चार्ज का अनुभव होता है। ब्राउन डिस्चार्ज वास्तव में प्राइवेट पार्ट से एक लाल भूरे रंग का डिस्चार्ज होता है जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको हो सकता है। ब्राउन डिस्चार्ज यूट्रस में मौजूद पुराना ब्लड होता है जो इस समय बाहर निकलता है। ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों से स्टार्ट होकर 37वें सप्ताह तक जारी रह सकता है, यानी कि आपकी डिलीवरी होने तक। डिस्चार्ज की मात्रा और इसका रंग अलग अलग हो सकता है और इसका रंग पीरियड और मिसकैरेज में होने वाली ब्लीडिंग से बिल्कुल अलग होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि ब्राउन डिस्चार्ज क्या होता है। आइए अब हम ये बात करते हैं कि आखिरकार ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के 6 दिनों से लेकर गर्भ के पहले के कुछ हफ्तों तक इम्प्लांटेशन के दौरान स्पॉटिंग या फिर ब्राउन रंग का डिस्चार्ज होता है। ये प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में कभी कभी यूट्रस पुराने ब्लड को बाहर निकालता है जिसे स्पॉटिंग या फिर ब्राउन रंग का डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज आपको सर्विक्स और प्राइवेट पार्ट में होने वाली सेंसिटिविटी के कारण प्रेगनेंसी में अलग अलग टाइम पर आपको हो सकता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में प्राइवेट पार्ट से ब्राउन डिस्चार्ज होना बहुत ही आम बात है और ये आपकी प्रेगनेंसी का एक सबसे बड़ा सिम्टम भी होता है। फ्रेंड्स, अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो फिर आप उसको कम कैसे कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी गंभीर समस्या के कारण आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। उनमें सबसे पहला है कि आप खुद का ख्याल रखें। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और सलाह के अनुसार ही सभी जांच को आप टाइम टू टाइम करवाते रहें ताकि अगर इस दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अधिक देर होने से पहले उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा बहुत अधिक एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना और एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना खतरनाक भी साबित हो सकता है और पैरों को ऊपर उठाकर रखने से आपका शरीर ज़मीन से दूर हो जाता है। ये आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज की मात्रा को कम करता है। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।